So since I was a kid I used to watch a lot of cartoons and read those newspaper comics and I madly wanted to create something like that so I took my uh, major subject drawing till the class of 9th and I started learning it but uh, when I changed my school in 10th standard uh, then I just left the drawing process and I chose another path but uh, um, after 3 years I again entered in to this stuff when I get into the college. So college में भी मैंने अपने art से related मतलब basically drawing से related कुछ भी ऐसा ना तो कोई lesson लिया ना ही मैंने कोई subject choose करे थे because I got this inspiration in between my first year. So तब पीछे हटने को कोई मौका नहीं था so I thought let's continue this and in between I found about digital art. Okay and that just changed my whole fucking life. So वैन आई डिस्कवर डिजिटल आर्ट आई यूज़ टू वॉच लॉट ऑफ दोज यूट्यूबर्स जो मोबाइल पर आर्ट वर्क सिखाते थे इन इन्फाइट डिज़ाइन सो so, मैंने तब इस चीज़ को सीखा था मतलब ट्रेसिंग के थ्रू बेसिकली ट्रेस करके कैसे एक वैक्टर आर्ट हिल स्टेशन क्रिएट करा जाता है बट आई डिट गेट दैट इंटरेस्ट इन दैट तो आफ्टर हाफ हाफ या फिर एक साल बाद मैंने उसको टोटली चेंज करने की कोशिश करी बट तो उसमें मेरा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम सो आई वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग क्रिएटिव समथिंग डिफरेंट फ्राम अदर्स जो वो कर रहे हैं सो आई स्टार्ट इंड मेकिंग सम कैरीहैच टफ लाइक नॉट टोटली टोटली कैरीगेज बट काइंड ऑफ एनिमेश स्टाइल लाइक नॉट मेकिंग द प्रॉपर ट्रेस्ड वैक्ट्रिल स्टेशन बल्कि उसका एक स्केच क्रिएट करके उसको अच्छे से कैरेक्टर डिजाइन करना बट तभी तो मेरे को एनाटॉमी के बारे में कुछ पता नहीं था एंड वैन आई रिसेंटली थाट अबाउट मेकिंग माई फर्स्ट कॉमिक बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू क्रिएट दैट बट नाव आई वॉज एबल टू डू दैट सो आई थॉट लेट्स क्रिएट माई कॉमिक फाइनली सो वेन आई टेक दिस डिसीजन आई हैव टू क्रिएट माई करेक्टर शीट बिकॉज मेरे को अभी फ्यूचर में और भी प्रोजेक्ट करने थे सो so मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आई कि मेरे को अपना करेक्टर सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा जिसको मैं आगे जाके भी और स्टोरीज में मतलब इंक्लूड करूँगा सो आई बिल्ड माई करेक्टर बेसिकली आई हैव द लोगो अब ऑलरेडी uh, मतलब पहले से मेरा लोगो बन चुका है तुम लोग देख सकते हो तो काफ़ी टाइम से मैंने यही लोगो यूज़ करा हुआ है एंड इस लोगों को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने बेसिकली एक रेफरेंस लेके एक मोस्टली ट्रेसिंग के थ्रू ही बनाया था बट इसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे मेरे हैं बेसिकली जो स्ट्रक्चरिंग थी वो मैंने ट्रेस करी थी एंड बाकी पूरा मैंने अपने हिसाब से जो मेरे को एक लूफी वाला लुक चाहिए था उस टाइम पर वो मैंने क्रिएट करा था एंड ये uh, yep, मैंने ऐसे इस क्रिएट कैरेक्टर को या फिर मास्कोट को क्रिएट करा था एंड जब मेरे को इसका एक बेसिकली कैरेक्टर शीट क्रिएट करनी थी तो मैंने इसी को अपना मेन फेस मान लिया एंड इसी के थ्रू आउट मैंने पूरा पूरा प्रोसेस करा सो so, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यही देखने वाले हैं लाइक हाउ टू क्रिएट अ कैरेक्टर शीट बेसिकली व्हाट इज़ अ कैरेक्टर शीट एंड हाउ टू मेक अ करेक्टर शीट So, thank you so much for the love you gave uh, in the last video. So, I have something for you. Uh, give it a listen, okay? साल से मैं कंटेंट बना रहा फिर भी क्यों ना बन रहा मैं बड़ा या तो किस्मत में ही ना मेरे लिखा या फिर ऑडियंस का ना मन लग रहा। वर्किंग लेट नाइट काम करूं सारे शॉर्ट मेक अ वीडियो, स्लोली फीलिंग द डॉट्स एक दिन हम भी होंगे उस मुकाम पे जहां को देखने करे अभी मेरी नेक पेन बोलना मदरबोर्ड क्यों ना देखे वीडियो पूरी जस्मिदा साइड का कभी समझना मेरी मजबूरी लास्ट लाइन है तेरे लिए ही बैन स्टोक वीडियो एडिट करू रात भर और उस उसपे व्यूज आए so before starting the process or knowing about how to create a character sheet you need to know like what is a character sheet और तुम्हें क्यों चाहिए why do you need a character sheet so जिन लोगों को ऐसे मस्ती के लिए चाहिए तो मैं तो बोलूँगा तुम लोग प्रैक्टिस करो बाकी इससे तुम्हारा कुछ और फ़ायदा है नहीं अगर तुम लोग सिर्फ ऐसे illustrations बनाना चाहते हो बट इफ़ यू आर लुकिंग forward टू मेक सम animations और क्रिएटिंग समथिंग लाइक जो तुम्हारा एक अपना कैरेक्टर हो या फिर किसी भी कैरेक्टर को बेसिकली ये जो चीज़ होती है ये तुम्हारे स्टोरी बोर्डिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आगे जाके थ्रू आउट द प्रोसेस तो so, कैरेक्टर शीट बेसिकली होती ये चीज़ है कि तुम्हारा एक कैरेक्टर होगा उसको जब भी तुम अपनी स्टोरी में आगे इंक्लूड करोगे कोई भी चैप्टर होगा तुम्हारी स्टोरी का या कुछ भी तो उसमें तुम लोग तुम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो तुम लोग ईजिली उस चीज़ को क्रिएट कर पाओ तुम्हारे पास सारे पोजेज़ होने चाहिए उससे रिलेटेड ताकि आगे जाके जब भी तुम लोग बनाओ तो वो किसी भी एंगल से बस सेम लगना चाहिए बेसिकली बोलने का मतलब ये है लाइक अगर वो साइड फेस्ड है तब भी वो सेम लगना चाहिए अगर फ्रंट फेस्ड है तब भी वो सेम लगना चाहिए अगर उसको नीचे से देख रहे हैं तब भी पता लगना चाहिए कि हाँ यही कैरेक्टर है अभी मैं भी उतना स्किल्ड नहीं हूं मैं अभी अभी सीख ही रहा हूं बट तुम्हारी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आ, मैंने कैसे बनाया तो मैं इसलिए वीडियो लेके आया हूं बाकी मैंने भी अभी मोस्टली बहुत ज्यादा तो नहीं बनाया आई एम स्टिल इन द प्रोसेस बट जो 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 जितने मेरे प्रोसेस अभी तक हुई है जो बेसिक्स है वो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे तुम लोग क्रिएट कर सकते हो सो so, ये यह, यही मोटिव रहता है एक कैरेक्टर शीट को क्रिएट करने का कि थ्रू आउट द स्टोरी या फिर थ्रू आउट दी लाइफ तुम्हारा कैरेक्टर कैसे पूरा पूरा रहेगा ठीक है थीक? किसी भी पोज में किसी भी एक्शन में वो सेम लगना चाहिए कि हाँ यही कैरेक्टर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है अगर तुम लोग अभी कोई स्टोरी डिफाइन कर रहे हो एंड आग बेसिकल स्टोरी सॉरी अगर तुम अभी कोई कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हो मान लो जैसे मेरा कैरेक्टर है इल्यूमेटर वाला अगर मैंने वो कैरेक्टर अभी एक स्टोरी में रखा है एंड इन फ्यूचर मैं अभी और स्टोरीज उससे रिलेटेड बनाने वाला हूँ ठीक है बट उसमें पोजेज़ अलग है तो अब मेरे को वहाँ पर बैठ के सबसे पहले वो सब ड्रॉ करना पड़ेगा या फिर मेरे को वो सब देखना पड़ेगा एंड उस टाइम वो चीज़ें उतनी अच्छी नहीं बनेगी तो इसलिए कैरेक्टर शीट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि थ्रू आउट दी स्टोरी तुम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ ठीक है एंड स्टोरी बोर्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जब तुम स्टोरी बोर्डिंग करोगे तो ये मैंने पिछली वीडियो में बना रखा कि like so, है कि लाइक वोट स्टोरी बोर्डिंग एंड ऑल सो वो वाले देख लेना ठीक है सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट अ करेक्टर शीट सो दिस जस्ट माई लिटिल ऑफ नॉलेज लाइक मैंने बहुत ज़्यादा अभी सीखा नहीं है जो लोग बहुत ही प्रोफेशनली सीखने के लिए आए हैं वो लोग प्लीज़ YouTube पे और ट्यूटोरियल्स देख ले या फिर कहीं और से सीख लो मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं तुम्हें पहले ये करेक्टर शीट दिखा देता हूँ मैंने यही अभी तक बनाई हुई है और इसी से रिलेटेड मैं तुम्हें बेसिक से पोज आज बताने वाला हूँ तुम लोग कैसे बना सकते हो ठीक है सो so, सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट करा बाय मास्क कोड सो so, मेरा मास्कोट बेसिकली जो मेरा फेस का पहले का लोगो था ठीक है तो उसको ही मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा बेसिकली ठीक करा बहुत ज़्यादा भी नहीं एंड अभी इस पर बेसिकली मेरे को क्या चीज़ की ज़्यादा नीड नहीं पड़ी वो था मेरा फेस का स्ट्रक्चर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था ठीक है तुम्हें सबसे पहले अपना एक मास्क कोट बना पड़ेगा सो so उससे रिलेटेड टूटोरियल मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा पड़े हों तुम लोग देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं टाइम लाइन भी डाल दूंगा तुम लोग वहाँ पर क्लिक करके देख लेना कैसे तुम लोग अपने फेस का एक मास्कोड बना सकते हो ठीक है तुम लोग स्टार्ट किसी भी पोज से कर सकते हो बेसिकली बट अगर मेरी एडवाइस मानो तो तुम लोग एक थोड़ा साइड फेस से करो जैसे मेरा कैरेक्टर है क्योंकि उससे तुम्हें एक ओवरऑल तुम्हारा लुक मिल जाता है ठीक है अगर तुम साइड से करोगे तब तो पॉसिबली तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने साइड वाले कैरेक्टर पे अगर तुम बट अगर तुम अगर पहले जो अपना साइड वाला फेस बना लेते हो तो उससे तुम्हारा जो फ्रंट फेस थे वो भी इजी हो जाएगा बनाना एंड साइड तो बेसिकली इजी हो ही जाएगा ठीक है क्योंकि साइड में ज़्यादा एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं बस उसमें थोड़ी सी वो स्किल्स ही होती हैं उसको ड्रॉ करने के लिए सो so, जस्ट yeah, पहले तुम लोग एक मास्कोट बना लो जैसे जिस डायरेक्शन में मेरे वाला है बस वैसे बना लो एंड उसके बाद मैंने जस्ट कुछ टूटोियल टु देखे थे यूट्यूब पे लाइक हाउ टू डू एनाटॉमी एंड ऑल सो वही मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूँ थ्रू आउट द प्रोसेस तो सबसे पहले मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करी लाइक like, कैसे हमारा कैरेक्टर इस पोज़ में देखेगा ठीक है तुम लोग इससे रिलेटेड रेफरेंसेज ज़रूर देखना क्योंकि रेफरेंसेज जब तक नहीं देखोगे तुम्हें पता नहीं लगेगा ठीक है तो तुम्हें अभी अपने कैरेक्टर की एक हाइट डिफाइन करनी पड़ेगी कि तुम्हारा कैरेक्टर अगर कार्टूनिस्ट है तो उसकी थोड़ी सी हाइट कम होगी बट तो थोड़ा मस्कुलर दिखेगा मतलब जैसे एक मैनली लुक होता है बट अगर तुम्हारा कैरेक्टर एक एनीमे से रिलेटेड है सो वो उस वे में देखेगा मतलब एक ओरिजिनल जो शेप रहती है ना ह्यूमन की एनिमे में वही होता है बस उसको थोड़ा सा शार्प और थोड़ा सा मतलब करा जाता है उसको ऐसे बट मेरे वाला जो कैरेक्टर है ये बेसिकली मिक्स ऑफ बोथ है क्योंकि मैं पहले से ही जो मैं स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ अपने आर्ट वर्कस में वो एनीमे भी है उसमें कार्टून्स भी हैं बेसिकली जो बॉडी स्ट्रक्चरिंग एंड फेस स्ट्रक्चरिंग रहती है वो एनीमे से रिलेटेड रहती है एंड जो फेशियल फ़ीचर रहते हैं वो बेसिकली कार्टून से इंस्पायर्ड रहते हैं सो यप ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो तुम्हारी मर्जी है तो थ्रू आउट मैंने ऐसे इसको बनाया सो बेसिकली तुम्हें इसमें जो शेप्स होती हैं ना उनको ड्रॉ करने के लिए simply rounds के लिए क्रिएट करने, करने होते हैं लाइक थोड़ी सी द, डिस्टेंस पे अपने जैसा फेस है ठीक है फेस के नीचे नेक का पोर्शन जितना रहता है उसके अकॉर्डिंग तुम देख लो जैसा मैंने कहा रेफरेंसेस देखो उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा एंड उसके नीचे तुम्हें बस एक क्यूब क्यूब या फिर एक थोड़ा सा जो उसका टॉर्स होता है बेसिकली उसको क्रिएट करने के लिए एक शेप बनाई जाती है तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे दिख रही होगी एंड वैसे ही तुम्हें बस उसके आर्म्स एंड ऑल यू वैसे ड्रा करने बस एक सर्कल ड्रॉ करो उससे थोड़े से डिस्टेंस पे अपने जो बैली होती है बेसिकली उसके डिस्टेंस तक तुम्हें एक और सर्कल ड्रॉ करना है एंड उससे तुम्हारा जो आर्म बन जाएगा ठीक है तुम्हारा जो बाइसेप होता है बेसिकली वो क्रिएट हो जाएगा तो ऐसे ही तुम्हें पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चरिंग है वो बन जाएगी ईजी होता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता जितना मैंने देखा है एंड सबसे ज़्यादा ईजी जो इसमें शेप होती है वो होती है तुम्हारी फ्रंट वाली ठीक है सो so, फ्रंट वाली के लिए मैंने अपने मास्कोट को सबसे पहले तो नीचे रख लिया एंड उसको ट्रेसिंग पे लगा दिया एंड आई जस्ट टुक द मिरर रिफ्लेक्शन टूल जिससे हम लोग दोनों साइड मतलब सेम ड्रॉ कर सकते हैं तो मैंने अपने कैरेक्टर को बस वैसे ही रखा एंड मैंने उसकी शेप वैसे ड्रॉ कर दिया है तुम लोग देख सकते हो तो काफ़ी ज़्यादा ईजिली एंड वैसे ही मैंने पूरे के पूरे कैरेक्टर का जो ओवरऑल बेसिकली बॉडी है वो भी वैसे ड्रॉ करी है एंड उससे एक ईजी चीज़ ये रह जाती है तुम्हारा इक्वली दोनों साइड में मच बन जाता है जो भी मतलब शेप होता है उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर सब कुछ डिजिटल डिजिटली है तुम्हारे पास इक्विपमेंट है तो क्यों ही ज़्यादा मेहनत करनी है ठीक है सो तो रिफ्लेक्शन टूल यूज़ करो और काफ़ी ज़्यादा सही तुम्हारे ईजीली मतलब फ्रंट वाले जितने पोस्ट हैं वो वैसे क्रिएट करता हूँ एंड ये वाला भी ऐसे क्रिएट किया है मैंने ओके okay. देन बाद आ जाती है साइड वैल well. तो साइड वाला well तो इससे भी ज़्यादा ईजी होता है ठीक है साइड वैल में तुम्हें ज़्यादा लेग्स क्रिएट नहीं करने अगर एक्शन में है तुम्हारे कैरेक्टर तब तो करना ही है ठीक है तब तो अलग चीज़ है बट अभी हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसकी बात कर रहे हैं कि तुम्हारा कैरेक्टर ओवरऑल सारी साइड से कैसा लगेगा ठीक है ठीके? तो उसके लिए बस करना कुछ नहीं है जैसे तुम्हें एक जो हमने पहले टॉर्सो के लिए अपना फ्रंट एंड साइड के लिए जो लिटिल बिट ऑफ साइड के लिए करा था वैसा वाला एक बोरी जैसी ड्रॉ करनी है बेसिकली बट उसको थोड़ा सा मतलब थिन रखना है क्योंकि अब तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि तुम्हारे जो आ, पीट होती है बेसिकली तुम्हारी बैक होती है वो थोड़ी सी ऐसे कर्व्ड होगी एंड तुम्हारी चेस्ट भी थोड़ी सी कर्व्ड होगी एंड वो कुछ ऐसे शेप में होगा ठीक है उस हिसाब से तुम्हें उसे ड्रा करना है एंड सेम तुम्हारी आर्म्स के साथ अब वैसे ही करना है सर्कल्स ड्रा करो और सर्कल्स ड्रा करो उन्हें ज्वाइंट करो एंड बस ईजीली बन जाएगा पूरा पूरा करेक्टर एंड इसी तरह मैंने पूरा का पूरा जो करेक्टर शीट है अभी तक बनाया है जो भी मैंने पोज वगैरह ड्रा करा है एंड अगर तुम्हें इसकी इलिस्ट्रेशन सीखनी है सो इलिस्ट्रेशन ईजी होती है ठीक है इलिस्ट्रेशन तो जैसे नॉर्मली रहती है वही रहती है बस मेन होता है तुम्हारा स्केचिंग फिनिशिंग वाला प्रोसेस लाइक तुम्हें पूरा पूरा कैरेक्टर डिजाइन करना आना चाहिए सो यप दिस इज हाउ आई क्रिएटेड दिस कैरेक्टर शीट बाकी आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई एल मीट यू इन द नेक्स्ट वन बाकी पिछली वीडियो पे सपोर्ट काफी ज्यादा अच्छा था सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ओके Thank you so much for watching this video. I'll meet you in the next one. Till then. Peace आगे। 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 आगे।